जोहार जोहार। हाँ बताइए। सर मैं ग्राम कुज्जू जिला रामगढ़ झारखंड का निवासी हूँ और मुझे इस परियोजना में पिछले साल ही दुकान संचालन का अवसर मिला प्रधानमंत्री जन औषधि, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। दूर दराज के इलाकों से भी मेरे यहाँ गरीब लोग मिडिल क्लास के लोग दवाइयाँ खरीदने आते हैं और इसका सेल अच्छा बढ़ते जा रहा है। अभी मेरे पास करीबन 500 से भी ज्यादा मेडिसिनल आइटम्स हैं और मैं कुछ सर्जिकल आइटम्स भी रखा हूँ जिनका डिमांड बहुत अच्छा है। सर आप पढ़ाई कहाँ की अंजन जी, आपने पढ़ाई क्या की? सर मैं बी फार्म किया हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, बैचलर इन फार्मेसी। फिर पहले क्या सोचते थे, नौकरी करने के लिए सोच रहे थे, ये किस काम में कैसे आ गए आप? नहीं सर मैं नौकरी कर रहा था लेकिन वो सेटिस्फेक्शन और वो खुशी नहीं मिल पाती थी। हाँ। तो मेरे पिताजी का सेवा भावना का बहुत मन है। हाँ। और मैं वो चीज कर नहीं पा रहा था। मेरे बड़े भाई फौज में है, वो देश सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे भी लगता था मैं पापा का नाम रोशन कैसे करूं, ये सेवा भाव कैसे, सेवा कैसे करूं, देश की सेवा कैसे करूं। तो पिछले साल इस परियोजना से जुड़ के अभी इतना दुआ मिलता है मुझे, पैसे अच्छा, भी आपको, अच्छे। आपको ये दुकान पाने में, लाइसेंस पाने में, ये सारा शुरू करने में कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं, पैसा तो नहीं देना पड़ा ना? नहीं सर मुझे एक सप्ताह के अंदर ये लाइसेंस मिल गया। हाँ। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं वो तुरंत मुझे एक हफ्ता के अंदर ये लाइसेंस दिए। अच्छा, और जो लोग हैं पुरानी दुकान वाले, जो हाँ, वो पुराने जमाने की वो पुड़िया में फिट और बड़ी महंगी दवाइयाँ बेचते थे, अब आपने सस्ती बेच रहे हो, तो हाँ। वो लोग जरा आप पर परेशान रहते होंगे, आपको हैरान करते होंगे? थोड़ा सा उनका भ्रिकुटी तो टेढ़ा रहता है सर, वो थोड़ा अलग नजरिया से मुझे, लेकिन उनसे फर्क नहीं पड़ता सर। मुझे बहुत दुआएं मिलती हैं, लोग बहुत खुशी खुशी मेरे यहाँ आते हैं। अच्छा, लोग भी तो झूठ फैलाते होंगे ना, ऐसे ऐसे जो लोग होंगे झूठ भी फैलाते होंगे कि नहीं नहीं वो जो अंजन जो दवाइयाँ बेचता है वो तो बेकार है, झूठी है, वो मत खाइए, कोई फायदा नहीं होगा, दवाई तो यही होती है, ले जाइए, ऐसा झूठ भी चलता होगा ना? नहीं सर, जब एक बार वो खुद यूज कर रहे हैं तो उन्हें खुद विश्वास हो जा रहा है कि नहीं वही पावर और वही कंपोजिशन का दवाई और इतने कम दामों में इतना यूजफुल है और इतना असरदार कि उनको फिर और कुछ अवसर नहीं मिल रहा है गलत बोलने का। तो कभी आपने जितने ये आपके ग्राहक है उनका हाँ कभी सम्मेलन करिए ना, सम्मेलन करके एकदम जरूर सर, और उनको बताइए कि देखिए ये आपको फायदा हुआ है, ये मोदी सरकार हाँ ने इतना बड़ा काम किया है, तो आप और लोगों को भी बताइए, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, ताकि उनका हर महीने का 2,000, 3,000, 3,500 रुपए बच जाए, और एक मध्यम वर्ग के परिवार में 2-3 हजार रुपया बचना बहुत बड़ी बात होती है। गरीब परिवार में 2-3 हजार रुपया बचना यानी उसकी तो जिंदगी बच जाती है। तो आप इसका प्रचार भी करते हैं क्या? हाँ सर, मैं इसका प्रचार भी करता हूँ, खुद भी जाता हूँ दूर दूर के ग्रामीण इलाकों में जहाँ की बहुत गरीबी है सर, बहुत बहुत, मतलब जिनके पास खाने पीने का भी पैसे नहीं है, अगर दो वक्त का चावल भी उनके पास बहुत मुश्किल से मिलता है, उन लोगों को अगर 5 रुपए में दवा मिल जा रहा है सर, 7 रुपए में दवा मिल जा रहा है, तो उनके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं अपने कुछ सहयोगियों को भी इसमें जोड़ता जा रहा हूँ। चलिए अंजन जी, आपको बहुत बधाई, आपको एक अच्छा काम ढूंढा, अच्छा काम कर रहे हो, और गरीबों की सेवा का ये भी एक अच्छा माध्यम है, जितना पुण्य हमारे डॉक्टरों को सेवा करने से मिलता है उतना ही पुण्य आप दवाई सस्ते में बेच करके पा रहे हैं, और भारत सरकार की योजना का लाभ गांव, गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम परिवारों को पहुंचाते हैं, ये सुनकर मुझे इतना आज आनंद हुआ, मैं आपको बधाई देता हूं।